Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 10 of unit number 5. So in the previous lecture basically we have started mobile radio communication, wireless communication aap keh sakte hain, mobile communication keh sakte hain, jahan pe hum logon ne baat ki thi, what is about 1G, 2G, 3G and 4G technologies. Now, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, दैट इज अबाउट GSM. जी हाँ, GSM क्या है, what is the concept एंड what is the architecture used in this GSM standard. तो समझने के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन GSM. सो GSM stands for ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल. इट इज अ सेकेंड जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड. जी हमने 2G जनरेशन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो मैंने वहां पे आपको बोला था 2G के अंदर, 2G जनरेशन में जो स्टैंडर्ड डेवलप हुआ था उसे हम बोलते हैं GSM, राइट. और ये जो स्टैंडर्ड है ये डेवलप हुआ था टू प्रोवाइड द वॉइस सर्विसेज एज वेल एज डेटा सर्विसेज यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन. तो GSM इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड्स योर डेटा सर्विसेज एज वेल एज वॉइस सर्विसेज. तो अगर हम GSM की सर्विसेज के बारे में बात करें तो GSM हमें थ्री कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है. व्हाट इज दैट? टेली सर्विसेज यानी कॉलिंग सर्विसेज, इंक्लूड मोबाइल फोन, इमरजेंसी कॉलिंग एक्सेट्रा. वन अनदर वन इज द डेटा सर्विसेज लाइक इंक्लूड SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस हमारी गई थी, वॉइस मेल स्टार्ट हो गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टार्ट हो गए थे विद द हेल्प ऑफ दिस GSM. एंड द थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री सर्विसेज लाइक हमारी इनकमिंग आउटगोइंग कॉल है, कॉल फॉरवर्डिंग है, कॉल रिजेक्ट है, कॉल होल्ड है, कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, ये सब चीजें भी GSM में स्टार्ट हो गई थी. तो GSM इज बेसिकली कॉल्ड अ सेकेंड जनरेशन स्टैंडर्ड विच इज डेवलप टू प्रोवाइड वॉइस एंड द डेटा सर्विसेज यूजिंग डिजिटल मॉड्यूलेशन. तो अगर GSM के बारे में इन शॉर्ट आपको डिफाइन करना है तो दिस इज योर GSM. GSM क्या था? अब अगर मैं फर्दर बात करूं तो GSM में बेसिकली कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, इस चीज को हम यहां पे GSM आर्किटेक्चर से समझेंगे. तो ये है हमारा GSM आर्किटेक्चर. जी हां, दिस आर्किटेक्चर इतना अगर आप देखें तो आपको एक बार में थोड़ा स्कैरी जरूर लगता है, बट अगर उस केस में मैं इसे डिवाइड कर दूं, हम इसे बेसिक से समझ लें तो बहुत ईजी लगता है. तो नाउ अगर मैं बात करूं तो दिस GSM आर्किटेक्चर विल बी डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड द मोबाइल स्टेशन, जिसमें आपका ये दो मॉड्यूल है, वन इज कॉल्ड द सिम एंड द मोबाइल इक्विपमेंट. देन द सेकंड वन इज कॉल्ड द बेस स्टेशन सिस्टम, जहां पे आपके पास दो अनदर मॉड्यूल आएंगे, वन इज कॉल्ड द बीटीएस टावर एंड द सेकंड वन इज द बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर. ये सब सबकी फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे मेंशन है और आगे भी अभी मुझे डिस्कस करना है तो सिंपली याद भी हो जाती है. एंड देन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज द नेटवर्क सब सिस्टम, जहां पे आप लोग देखेंगे MSC, दैट इज द मोबाइल सर्विसेज स्विचिंग सेंटर. यहाँ पे इसके पास एक होम लोकेशन रजिस्टर होता है, डिजिटल लोकेशन रजिस्टर होता है, एक होता है हमारे पास इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर EIR एंड देन ऑथेंटिकेशन सेंटर. तो GSM आर्किटेक्चर हमारा इन तीन सब सिस्टम में डिवाइड रहता है. नाउ वन बाय वन देखते हैं कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का वर्किंग क्या है, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वन इज द मोबाइल स्टेशन. तो मोबाइल स्टेशन की हम बात करें तो मोबाइल स्टेशन में भी आपने देखा इट विल मेड अप ऑफ टू आइडेंटिटीज, वन इज कॉल्ड द मोबाइल इक्विपमेंट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सिम. सो मोबाइल इक्विपमेंट का मतलब क्या है? मोबाइल इक्विपमेंट आर द पोर्टेबल व्हीकल माउंटेड एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस, राइट. मोबाइल का मतलब योर हैंडहेल्ड डिवाइस विदाउट सिम, राइट. अब यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन IMI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, एंड वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है आपका मोबाइल इक्विपमेंट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब यहां पे 2G जनरेशन आई थी तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था वन इज GSM एंड वन इज CDMA. एंड इफ यू रिमेंबर GSM और CDMA में क्या डिफरेंस है? जी हाँ, GSM जो मोबाइल इक्विपमेंट है वो विदाउट सिम होता है, जबकि वहीं पर CDMA विद सिम आया था, आप उस मोबाइल इक्विपमेंट को विद सिम बोलते हैं, राइट. तो फिलहाल अभी हम यहाँ GSM की बात कर रहे हैं, जब मैं CDMA की बात करूंगा तो ये डिफरेंस मैं वहां पर आपको दिखाऊंगा भी. बट GSM के अंदर व्हाट आर द टू मेन एलिमेंट्स इन योर मोबाइल स्टेशन? वन इज द मोबाइल इक्विपमेंट, जो एक्चुअली आपका मोबाइल डिवाइस है जिसमें आपकी कोई सिम नहीं है. और मोबाइल डिवाइस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? बाय एन IMEI नंबर. और वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है. वहीं पर सेकंड जो एंटिटी है डाट इज इन मोबाइल स्टेशन, डाट इज कॉल्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इन शॉर्ट जिसे हम बोलते हैं सिम. तो स्मार्ट कार्ड, डाट इज सिम इज बेसिकली स्मार्ट कार्ड, इट कंटेन द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव द कॉल. बिना सिम के आप कॉल को रिसीव या सेंड नहीं कर सकते हैं. ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय अ पिन एंड कैन बी मूव फ्रॉम फोन टू फोन. अगर GSM की बात करें तो एक सिम आपके दूसरे, एक GSM फोन इक्विपमेंट से दूसरे GSM फोन इक्विपमेंट में मूव कराई जा सकती है. कंटेन की इंफॉर्मेशन टू एक्टिवेट द फोन, राइट. सो दीज आर द टू
आइडेंटिटीज या यू कैन से कि ये दो आइडेंटिटी हैं जो हमारे मोबाइल स्टेशन के अंदर आती है जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर. नाउ अब ये जो दो एंटिटी हैं मोबाइल स्टेशन, ये हमारा कम्युनिकेट करता है विद अवर बेस स्टेशन सबसिस्टम. राइट, मोबाइल स्टेशन किससे कम्युनिकेट करेगा? बेस स्टेशन सबसिस्टम. और इसका जो इंटरफेस प्रोवाइड कराया था, दैट इज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड यूएम इंटरफेस. एक एयर इंटरफेस की तरह होता है बट स्टैंडर्ड है यहाँ पे यूएम इंटरफेस, कि मोबाइल और बेस स्टेशन किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं. Now, inside this base station, basically there are two types of entity, जो आप बोल सकते हैं कि this base station composed of two parts that communicate across the standardized ABIS interface, allowing operation between components made by different suppliers. राइट, तो मेनली जो दो कंपोनेंट है बेस स्टेशन के अंदर, एक तो है हमारा BTS, दैट इज ट्रांस रिसीवर स्टेशन, एंड द सेकंड वन इज बेस स्टेशन कंट्रोलर. तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, दैट इज योर ABIS इंटरफेस, सो दैट इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके. अब बेस ट्रांस रिसीवर क्या है? जी हाँ, BTS जो आप नॉर्मली देखते हैं, जो हम टावर बोलते हैं, टावर लगे हैं, मोबाइल टावर लगा है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड BTS, जिसका मेन रोल होता है आपके डेटा को एनकोड करना, डिक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट करना. मीन्स अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो दिस इज ट्रांस रिसीवर. ट्रांस रिसीवर का मतलब आपका यही टावर रिसीव भी कर रहा है सिग्नल, कहां से? मोबाइल से. राइट, और मोबाइल को रिसीवर सेंड भी कर रहा है सिग्नल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रांस रिसीवर. तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड योर बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, सिग्नल्स फीड कराता है. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली एंटीना लगे होते हैं, तो इन एंटीना को सिग्नल देता है, मॉड्यूलेशन करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है. जितना भी सारा वर्क है अब तक जो हमने कम्युनिकेशन में देखा है बीइंग अ ट्रांसमीटर रोल, वो सारा का सारा यहाँ पे BTS परफॉर्म करता है, ट्रांसमिशन भी और रिसेप्शन भी. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है यहां पे बेस स्टेशन कंट्रोलर. तो बेस स्टेशन कंट्रोल का काम क्या है? बेस स्टेशन कंट्रोलर BTS को मैनेज करने का काम करता है, BTS को फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड ये BTS यूज कर सकता है. अल्टीमेटली वो BTS मोबाइल को फ्रीक्वेंसी बैंड देगा, सो अल्टीमेटली असाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट फॉर ऑल द मोबाइल स्टेशन इन इट्स एरिया. राइट, यही BSC आपका कंट्रोल करता है किस तरह से आपकी कॉल जो है वो सेटअप हो रही है. अगर एक मोबाइल दूसरे मोबाइल पे कॉल कर रहा है तो किस तरह से वो कॉल सेटअप होगी, हैंडओवर किस तरह से होगा. हैंडओवर का मतलब होता है कि जब एक मोबाइल एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में हम लोग मूव करते हैं तो वहां पे कॉल हैंडओवर होता है. सो दैट हैंडओवर किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो सारा का सारा काम आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर का है. तो दिस इज द सेकेंड सब पार्ट ऑफ योर GSM सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बेस स्टेशन सबसिस्टम. अगर मैं थर्ड पार्ट की तरफ जाऊं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम. तो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका GSM के अंदर है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सबसिस्टम, एंड इट विल कंटेन्स MSC, HLR, VLR, EIR, AUC. अब क्या है, अगर मैं MSC की बात करूं तो MSC इज कॉल्ड मोबाइल स्विचिंग सेंटर. जी हाँ, दिस इज द हार्ट ऑफ द नेटवर्क. ये MSC क्या करता है? MSC अभी हमने देखा BSC क्या कर रहा था? BSC एक तरह से मोबाइल के साथ सेटअप कर रहा था, कम्युनिकेशन बना रहा था. तो अब MSC क्या करता है? MSC यानी BSCs को, यहाँ पे जो BSC लगे हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने उसके एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर BSCs आ रहे हैं, उन सबको मैनेज करता है. राइट, बिलिंग इंफॉर्मेशन सारी की सारी जनरेट करता है, कलेक्शन करता है, ऑल्सो मोबाइल जितने भी हैं उनका मैनेजमेंट करता है. सच एज कोई भी मोबाइल यूजर आपका जनरेट हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन, लोकेशन अपडेटिंग, कॉल राउटिंग, ये सारा का सारा फंक्शन MSC के थ्रू ही होता है. सो इन सभी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए MSC कंटेन्स सम ऑफ सम अदर यूनिट्स. तो सबसे पहले यूनिट जो है यहाँ पे, दैट इज होम लोकेशन रजिस्टर, एज द नेम डिफाइंड होम लोकेशन. तो ये रजिस्टर एक तरह से एक मेमोरी है, एक डेटाबेस है जो कि सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, दैट बिलोंग्स टू इट्स MSC इन परमानेंट एंड टेम्परेरी फैशन. वहीं पे अदर रजिस्टर की बात करूं तो यहाँ पे है विजिटर लोकेशन रजिस्टर. नाउ विजिटर लोकेशन रजिस्टर क्या है? एज द नेम डिफाइन विजिटर. अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने एरिया में जिस एरिया से आपको सिम मिला है, जिस एरिया के लिए आपका डेडिकेटेड मोबाइल है, आप उसी एरिया में रहते हैं. हम उस एरिया से बाहर भी मूव करते हैं, तो जब हम किसी अनदर एरिया में जाते हैं, वी कम अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर MSC, हम दूसरे MSC के कंट्रोल में आ जाते हैं. तो उस केस में जो हमारी डिटेल्स हैं, वो एक्चुअली डिटेल्स कहां पे थी? वो एक्चुअली डिटेल्स हमारे MSC के होम लोकेशन रजिस्टर में थी. तो वो डिटेल्स वहां से होम लोकेशन रजिस्टर से निकल के विजिटर लोकेशन रजिस्टर में आ जाती है. तो विजिटर लोकेशन रजिस्टर बेसिकली, अगर कोई सब्सक्राइबर जो उस लोकेशन में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक विजिटर है, उसकी डिटेल्स को अपडेट करता है व्हेन अ न्यू मोबाइल स्टेशन एंटर्स इन इट्स एरिया.
राइट। नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन सेंटर है। ऑथेंटिकेशन सेंटर का काम करता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा, एल्गोरिथम प्रोवाइड करेगा सो दैट आपका डेटा जो है सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट नेटवर्क ऑपरेटर फ्रॉम फ्रॉड, फ्रॉडिंग से बचाने के लिए हमारी ऑथेंटिकेशन यूनिट होती है। एंड द लास्ट इज EIR। तो EIR एज द नेम डिफाइन इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो हमने पढ़ा था IMEI नंबर जो कि आपका हर एक मोबाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हर एक मोबाइल का जो IMEI नंबर है एक तरह से ये स्टोर करता है EIR इन द पर्टिकुलर MSC, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर GSM आर्किटेक्चर जहां पे हमने तीन बेसिकली पार्ट सीखे हैं। वन इज द मोबाइल, मोबाइल किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मोबाइल BTS से कंट्रोल होते हैं, BTS को कौन कंट्रोल करता है, BSC को कौन कंट्रोल करता है, एक MSC, राइट। MSC एक से ज्यादा BSC को कंट्रोल करता है, BSC एक से ज्यादा BTS को कंट्रोल करता है, एक BTS एक से ज्यादा मोबाइल स्टेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। सो ये इस मैनर में है कि हर एक मतलब स्टेप पे आपके नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक MSC कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट BSCs को, एक BSC कंट्रोल कर रहा है डिफरेंट BTS को, एक BTS से कंट्रोल हो रहे हैं डिफरेंट मोबाइल यूजर। तो इस तरह से हमारी कैपेसिटी एनहांस होती है, राइट। और इन अ GSM आर्किटेक्चर बेसिकली एक MSC नहीं था, दे आर सेवरल ऑफ MSCs इनसाइड योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट। तो अगर आपको GSM के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप GSM क्या है ये तो हमने डिफाइन कर ही लिया, साथ ही साथ GSM का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सभी टर्म्स का क्या मतलब होता है अब आप अच्छे से जानते हैं। और ये आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा GPRS, तो GPRS के अंदर ये सेम आर्किटेक्चर है, बट इस आर्किटेक्चर में जो चेंज होता है केवल मैं उस पर एम्फेसिस दूंगा, बाकी सारा का सारा आपको यहीं से याद रखना है, राइट। अब इन द लास्ट मैंने यहां पे एक और चीज यहां पे ऐड की है, दैट इज कॉल्ड GSM कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं एज अ कंक्लूजन कि GSM की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिकली इट इज अ डिजिटल सिस्टम जो कि 900 to 800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे यूज होता है। ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर फॉर फ्रॉड कंट्रोल, टू कंट्रोल द फ्रॉड। फुल इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी GSM मॉड्यूल प्रोवाइड करता है एंड लो स्पीड डेटा सर्विसेज है। इसकी डिसएडवांटेज थी कि यहां पे डेटा सर्विसेज बहुत लो स्पीड में थी, बट इट सपोर्ट्स शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। बट यहां पे इसका जो मेन जो रेवोल्यूशन हुआ था कि यहां पे डेटा सर्विसेज को इसने इनेबल किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर GSM। अब आफ्टर दिस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे दैट इज अबाउट GPRS। जी हाँ, GSM को अच्छे से याद रखिएगा तभी आप GPRS का आर्किटेक्चर भी स्टडी कर पाएंगे कि बेसिकली उसमें क्या डिफरेंस आया फ्रॉम GSM। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे GPRS सिस्टम। थैंक यू।